बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफिस से होंगे। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलने वाले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की लिस्ट में से कोई एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप PHP एंड MySQL की हेल्प से करवाऊंगा, जिसका फ्रंट एंड अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पूरा जो है दिखा दिया था, रिव्यू करवा दिया था, उसका व्यू करवाया था। और मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह अब इस पर मैं प्रॉपर जो है बैक एंड पे काम करना स्टार्ट करूंगा। अब इंशाल्लाह PHP और MySQL इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह समझाऊंगा। और ये जो फ्रंट एंड वाला जितना भी काम है, ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर जब तक पूरे नहीं होते तब तक मैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है भाईजान, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रंट एंड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो उसके लिए चैनल को पहले सपोर्ट ज़रूर बहुत ज़्यादा करें। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम पूरा जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जितना भी काम है बैकएंड के ऊपर वो सारा कर देंगे, यानी उसको डायनामिकली बना लेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप शौकीन हैं बैकएंड डेवलपमेंट के। तो आज से ये फर्स्ट वीडियो है, काम हमारा रियलिटी का स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो ये फोल्डर है हमारा पूरा फ्रंट एंड का, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। स्टेप बताने लगा हूँ, जब आप डाउनलोड इसे कर लेंगे, यानी जब आपको जो फोल्डर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसको, आपको जब ये मिल जाएगा तो इसको कॉपी करना है। कॉपी करके अपनी सी ड्राइव में जाना है, अपने लोकल सर्वर यानी जैम सर्वर में या लैम सर्वर, जो सा भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जाना है। और उसके अंदर ये देखें, जैम सर्वर के अंदर htdocs के नाम से फोल्डर है, इस htdocs वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आके सिंपली आपने पेस्ट कर देना अपना वो फ्रंट एंड वाला जितना भी फोल्डर था, नोटिस बोर्ड वाला जो आप प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, उस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है पूरे का पूरा, वो यहाँ जैम फोल्डर के अंदर htdoc के फोल्डर के अंदर आपने लाके पेस्ट कर देना है। जैसे ये पेस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आपने क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ये आप ये देखें, ये नोटिस बोर्ड वाला हमारा पूरा फोल्डर आ चुका है। यहाँ पे एडमिन फोल्ड, यहाँ पे इसके अंदर सब फोल्डर्स हैं, एडमिन, बूटस्ट्रैप, फाउंड ऑसम, इमेजेस, स्टूडेंट, टीचर, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले आपने जैम फोल्डर में वापस आना, और यहाँ पे देखें थर्ड लास्ट पे आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होती है जैम कंट्रोल के नाम से, यहाँ पे आपने जाके अपने दोनों सर्वर अपाची और MySQL जो है वो स्टार्ट कर लेने हैं। आफ्टर स्टार्टिंग आपने htdoc के अंदर अभी भी अपने प्रोजेक्ट का जो फोल्डर यहाँ पे पेस्ट की है नोटिस बोर्ड के नाम से, इसको अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर पूरे फोल्डर को ओपन कर लें। कैसे ओपन करना है, यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर, फोल्डर करने के लिए सी ड्राइव में जाना है, जैम फोल्डर में htdocs के फोल्डर के अंदर नोटिस बोर्ड का फोल्डर है, इस पूरे के पूरे फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें यहाँ मेरे पास तमाम पूरे का पूरा फोल्डर जो है सिलेक्ट हो गया, जिसके अंदर सब फोल्डर्स हैं भी आ गए हैं और फाइल्स भी आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किस फाइल को, सबसे पहले आज हमने किस फाइल पे काम करना है, रजिस्ट्रेशन वाली फाइल पे। तो यहाँ पे देखें registration.html पे क्लिक करें, ठीक। अब registration.html पे आज मुझे क्या करना है, वर्क करना है, इतना क्लियर। सबसे पहले एक काम करें, यहाँ पे अब चूंकि हमने बैकएंड पे काम करना है, तो अब यहाँ पे हर फाइल का एक्सटेंशन चेंज होती जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने पहले ये बनाई हुई है सारी फाइल्स .html पे, अब हमें इनको कन्वर्ट करना है .php पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएं, कंट्रोल एस के साथ इसे सेव करें। ये देखें इसे सेव कहाँ पर करना है, अपने इसी फोल्डर नोटिस बोर्ड वाले फोल्डर के अंदर जहाँ पर ये आपकी रजिस्ट्रेशन वाली फाइल पड़ी हुई थी, यहाँ पर इसे सेव कर लें। यहाँ पर इसका न्यू नेम दें, रजिस्ट्रेशन, वही नेम देना आपने, रजिस्ट्रेशन .html की जगह पे आप क्या लिखना है .php, क्योंकि अब हमने इसको बैकएंड में कन्वर्ट करना तो लिया, यहाँ पे अब आप लिखोगे .php और एंटर हिट कर दोगे। ये करने के बाद ये html वाला सारा कोड उठाओ, कंट्रोल ए से कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, रजिस्ट्रेशन .php वाले फोल्डर फाइल में आओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब ये जो .html वाली फाइल है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, अब इसको यहाँ पर आओ registration.html के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट फाइल कर दो, क्योंकि इस फाइल की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने .php वाली फाइल बना ली है, ठीक है। अब जैसे जैसे दोस्तों हम अपनी हर फाइल को कन्वर्ट करते जाएंगे, ये थोड़ा मैं कम जूम करूँ, ओके, कन्वर्ट करते जाएंगे .php में, तो जो हमारी प्रीवियस .html वाली फाइल होगी उसको हम साथ साथ जो है वो डिलीट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे मेरी फाइल बन गई .php के अंदर आ गई है।
अब इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ लिंक, और यहाँ से सी ड्राइव से लेके एच डी डॉक तक इसे हटा के यहाँ पे अपने सर्वर का नाम देता हूँ जी लोकल होस्ट, एंटर हिट कर दिया। तो ये देखें, ये मेरे पास हमारा जो है वो आ चुका है, क्या बला हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। ठीक, ओके, इतना हो गया हमारा काम। ये करने के बाद अब देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है कि यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके अब ये देखें हमारा ये जो फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म को हमने सबमिट करना है एक पीएचपी के यानी फाइल के ऊपर जो हमारा डाटा सबमिट करेगा माई सीक्वल यानी हमारे डेटाबेस के अंदर। लेकिन उससे पहले आप ये करें कि अपना टेबल एक क्रिएट कर लें अपने माई सीक्वल के अंदर यानी एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाके अपना टेबल क्रिएट कर लें। यहाँ पे आएँ, अब यहाँ पे अपने होस्ट का नाम लिखें लोकल होस्ट, एंटर हिट कर दें। यहाँ पे माई पीएचपी माई एडमिन में जाएं। अब आपको माई सीक्वल का भी साथ साथ काम स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ। हालांकि मैं ये सारा कुछ करवाया भी हुआ है आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहले मुझे सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ। डेटाबेस का नेम रख लेते हैं जी नोटिस बोर्ड, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम किया है नोटिस बोर्ड, तो हमने डेटाबेस का नाम भी रख लिया नोटिस BOARD बोर्ड। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें, ये हमारी डेटाबेस नोटिस बोर्ड वाली क्रिएट हो गई है। इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम से, रजिस्ट्रेशन के नाम से टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसमें कितने फील्ड्स हैं, जितनी फील्ड्स हैं उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये एक नेम है, एक ईमेल है, एक पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ये फील्ड हैं और एक उसकी आईडी वाली 9 फील्ड होगी। यहाँ पे 9 करें और गो कर दें। ये देखें, ये हमने 9 कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब फर्स्ट कॉलम का नाम क्या होगा, आईडी। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या जी, नेम उसका, तो यहाँ पे आएगा कॉलम का नेम, नेम। नेक्स्ट क्या जी, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे लिखें, नीचे आ जाएं, यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्या उसे सेव करवाना है, डिपार्टमेंट, उसका रोल डिपार्टमेंट, डेप्ट के नाम से रख लेते हैं डेप्ट, ठीक है डेप्ट के नाम से रख लेते हैं डेप्ट, कि उसकी डिपार्टमेंट कौन सी है। यहाँ पे देखना है उसकी डिपार्टमेंट सेलेक्ट होगी जो भी उसकी डिपार्टमेंट है। उसके बाद रोल, कि वो एक टीचर है या स्टूडेंट है, ये हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रोल, रोल ROLE रोल उसका क्या है। ठीक है, उसके बाद उसकी जेंडर क्या है, तो यहाँ पे जेंडर भी आएगी नीचे वाले कॉलम के अंदर, क्या आएगी जेंडर, सॉरी GENDER जेंडर, और उसके बाद उसकी यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, तो इमेज के लिए IMG इमेज। ठीक है, ओके, तो ये हमने कॉलम बना लिया। अब इनकी टाइप डेटा टाइप्स बताएं, तो आईडी की डेटा टाइप होगी इंट के अंदर, नेम की होगी वारचार के अंदर, वारचार, और वारचार का साइज़ बताएं कितना रखना है आपने, 50। ठीक है, ईमेल जो है वो उसका वारचार में होगा, और इसको भी हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल बड़े से बड़ा जितना मर्जी वो रख ले। उसके बाद वारचार और पासवर्ड भी हम कर लेते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 100। ठीक है, DOB किसी में होगी, डेट फॉर्मेट में होगी, ओके। डिपार्टमेंट किस में होगी, डिपार्टमेंट उसने कौन सी रखनी है जी, डिपार्टमेंट यहाँ पे देखें स्ट्रिंग वैल्यू है, IT डिपार्टमेंट जो कौन सी भी डिपार्टमेंट है उसकी। ठीक है, तो डेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन में हमने क्या रखा हुआ है डिपार्टमेंट के लिए बला, ये है ना डिपार्टमेंट, तो ठीक है वैल्यू IT कॉमर्स, ठीक है स्ट्रिंग है, ओके। वारचार होगी इसकी डेटा टाइप, डेप्ट की डेटा टाइप क्या होगी, वारचार, और वारचार के साथ इसकी डेप्ट का साइज हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 15। ठीक है, ओके, रोल उसका कौन सा जी, रोल टीचर या स्टूडेंट, तो रोल के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, रोल के लिए हमने टीचर के लिए 1 लिया हुआ है, स्टूडेंट के लिए 2, इसका मतलब है ये इंटीजर में होगी, ओके। जेंडर उसकी मेल या फीमेल होगी, तो यहाँ पे वारचार, और यहाँ पे जेंडर के लिए 10 रख लेते हैं साइज़। ठीक है, इमेज के लिए उसका वारचार होगी, क्योंकि इमेज का नाम तो वारचार में होगा, और साइज़ का रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 150। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी प्राइमरी की कौन सी होगी, हमारी आईडी, तो यहाँ से ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ओके। और उसके बाद हमने यूनिक किसको रखना है, ईमेल यूनिक होना चाहिए, ठीक है ईमेल उसका क्या हो, यूनिक हो, तो यहाँ पे
ये देखें यूनिक, ठीक है, ईमेल उसका हो गया यूनिक गो। ये देखें ईमेल उसका यूनिक रख लिया, नाम भी उसका यूनिक नहीं होता, ठीक है, ये हो गया इतना। ओके इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये हमारा टेबल सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। ये देखें ये ईमेल आपकी यूनिक हो गई, पासवर्ड आईडी आपकी प्राइमरी की लग गई और बाकी सारा कुछ आपका सही सेट हो गया। ओके ये हमने टेबल बना लिया, ले जी हमारा टेबल पूरा। अब हम आते हैं यहाँ पे और इस जगह पे आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे देखें मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पीएचपी वाला। ये पीएचपी वाला फोल्डर बेसिकली कौन सा फोल्डर होगा जिसमें हमारी पीएचपी की जितनी भी बैकएंड की कोडिंग होगी सारी इस पीएचपी वाले फोल्डर के अंदर होगी। एंटर इट कर दिया। ओके तो ये पीएचपी नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसमें जाते हैं पीएचपी के फोल्डर में, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, पीएचपी के फोल्डर में रजिस्टर डॉट पीएचपी, रजिस्टर डॉट पीएचपी एंटर इट कर दिया। तो ये देखें ये हमारे पीएचपी के फोल्डर के अंदर रजिस्टर डॉट पीएचपी नाम की फाइल बन गई है, ठीक है, इतना क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब ये करना है कि यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे हाँ इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल एंड नेम इक्वल टू पिक रखा हुआ है। ओके ओके अब ये जो आपका फॉर्म है इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करें। एक्शन यानी आपका आपका जो डाटा कहाँ पे मूव करें, आपका डाटा यहाँ पे पीएचपी नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर रजिस्टर डॉट पीएचपी नाम की फाइल है वहाँ पे मूव कर दीजिए। उसके बाद मेथड इक्वल टू पोस्ट, उसके बाद चूंकि हम यहाँ पे अपनी एक पिक भी भिजवा रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे एंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट ओवर फॉर्म हाइफन डाटा, ये हम लिखते हैं, क्लियर, मल्टी पार्ट ओवर फॉर्म हाइफन डाटा ये लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब अपनी लिस्ट डॉट पी एच पी पर जाएँ, यहाँ पर पी एच पी का कोड स्टार्ट करें, ठीक, ओके पी एच पी का कोड स्टार्ट कर लिया। अब पी एच पी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो डाटा आएगा सबसे पहले वन बाय वन उसे फैच करना है। अब सबसे पहले देखते हैं मेथड कौन सा है यहाँ पे, पोस्ट, तो जो सा मेथड हो उसके साथ डाटा फैच होते हैं, डॉलर डॉलर अंडरस्कोर अपने मेथड का नाम बताएं, पोस्ट आगे अपने एट्रीब्यूट अपने उस कॉलम का नाम बताएं जिसकी वैल्यू गेट करनी है। तो सबसे पहले हमने ये नेम गेट करना है, तो नेम के कॉलम वाली जो चीज़ है इसका नाम है, इसका नेम के नेम ही रखा हुआ है तो यहाँ पर लिखें नेम, ठीक है, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी ईमेल, तो ईमेल के लिए ईमेल रखा हुआ है, ओके ई एम ए आई एल मेल ईमेल, देन डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया पासवर्ड, ठीक, ओके नेक्स्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और नेक्स्ट पासवर्ड के बाद क्या है जी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने क्या नाम रखा हुआ डी ओ बी, डी ओ बी यहाँ पे, ओके ये भी हमने गेट कर ली डॉलर अंडरस्कोर, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है क्या गेट करना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम डिपार्टमेंट गेट करना है तो उसका नेम का हमने क्या रखा हुआ है डिपार्टमेंट, यहाँ पे आए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड के अंदर डिपार्टमेंट नाम लिख दिया, ओके देन डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, हमने क्या करना है डिपार्टमेंट भी गेट कर लिया, उसके बाद क्या जी रोल, तो रोल गेट करना है कंट्रोल सी से रोल गेट कर लिया उसका कि उसका रोल कौन सा, कंट्रोल वी रोल, ठीक, ओके जी ये इतना काम हमने कर लिया, ओके जी देन नेक्स्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक, अब रोल भी गेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जेंडर है तो जेंडर के लिए नेम क्या रखा हुआ हमने जेंडर, कंट्रोल सी कॉपी किया यहाँ पे जेंडर और ठीक है कंट्रोल एस डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्या जी नेक्स्ट जेंडर के बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास प्रोफाइल इमेज लेबल प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के लिए क्या है जी प्रोफाइल इमेज उठानी, इसका नेम क्या पिक और इसकी टाइप क्या फाइल। अब दोस्तों जब आपके पास टाइप फाइल होती है ना तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नहीं लिखते बल्कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स लिखते हैं फाइल्स, ठीक है, और इसके अंदर अपनी फाइल का जो भी हमने नाम जिस फाइल को हमें गेट करना है उसका जो भी नाम रखा हुआ वो लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ पिक तो यहाँ पे भी लिखो पिक पी आई सी पिक और इसके आगे एक और का आप लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोड लगाते हो उसके अंदर लिखते हो उसका मुझे क्या गेट करना है
नेम गेट करना, यानी ये जो भी फाइल गेट करके लेके आया है उसका मुझे नेम फैच करना। अब यहाँ पे वेरिएबल बनाओ जिनमें ये जो आपने वैल्यूज फैच करके लेके आए हो ये सारी किसी वेरिएबल में सेव करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अब आपको वन बाय वन। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले डॉलर डॉलर क्या नेम आ रहा है, तो यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, नेम, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, डॉलर ईमेल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, डॉलर पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या जी, डॉलर डी ओ बी, फिर डॉलर डी ओ बी के बाद उसके डिपार्टमेंट, तो डेप्ट डेप्ट इक्वल टू, फिर रोल है तो डॉलर आर ओ एल ई रोल, ठीक है। उसके बाद जेंडर है तो डॉलर जेंडर, ठीक। उसके बाद फाइल का नेम है तो डॉलर एफ अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए डॉलर टेम्प नेम, यानी टेम्परेरी नेम भी हम लिख लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको ही कॉपी करते हैं और फाइल का जो टेम्परेरी नेम वो लेने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्प अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये हमें टेम्परेरी नेम दे देगा, क्लियर। अब ये जो पासवर्ड है इसको अगर आपने इसके ऊपर इनक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म करें तो उसके लिए दोस्तों सिंपल बड़ा ही आसान तरीका, ये देखो हम यहाँ पे एक हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ पे पहले से रिमूव कर दो कि जो आप पासवर्ड ले रहे हो उसको हमने चूंकि इनक्रिप्ट करना है सिक्योर करना है तो उसको पहले कट करो। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, इसके अंदर सबसे पहले हम वो पासवर्ड देते हैं जिसको हमने वो जो है कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इनक्रिप्शन जिसकी करनी है, तो वो किस में है, वो जो अभी अभी हमारा डाटा आया डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करता हूँ पासवर्ड अंडरस्कोर बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट, ये नाम है बी क्रिप्ट, ठीक है। तो पासवर्ड अंडरस्कोर बी क्रिप्ट ये यूज़ करना है मैंने, और ये इसको पासवर्ड में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो है ये वाला पासवर्ड अंडरस्कोर हैश मेथड फंक्शन करेगा, ये आपको आपके इस पासवर्ड को जो है इनक्रिप्शन करके रख देगा इस डॉलर अंडरस्कोर पास वाले डॉलर पास वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने ये भी काम कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब जनाब हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने ना यहाँ पे अब अपना कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसके अंदर चार पैरामीटर पास करते हैं। नंबर वन के ऊपर अपने सर्वर होस्ट का नाम, तो हमारे होस्ट का नाम है लोकल होस्ट, ठीक है। देन सेकंड पैरामीटर होता है आपके यूज़र आपके होस्ट का यूज़र नेम, तो वो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट, देन कॉमा, देन पासवर्ड। तीसरा पैरामीटर होता है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा जो कि एम्प्टी होता है तो उसको एम्प्टी यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दें, खाली छोड़ दें। उसके बाद चौथा होता है आपकी डेटाबेस का नाम, तो हमारी डेटाबेस का नाम क्या जी, हमारी डेटाबेस का नाम भी हमने क्या रखा है भला, नोटिस बोर्ड, तो यहाँ पर लिखो नोटिस बोर्ड, नोटिस बी ओ ए आर डी बोर्ड, नोटिस बोर्ड, ठीक, ओके जी। तो ये जनाब हमने रख लिया नोटिस बोर्ड, लें जी नोटिस बोर्ड नाम रख लिया, लें जी इतना हो गया हमारा। तो ये जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, तो यहाँ पे डॉलर कौन नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाए, कनेक्शन क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पर अपनी क्यूरी लिखते हैं, जो क्यूरी हमने लिखनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर क्यू आर वाई क्यूरी इक्वल टू क्या क्यूरी परफॉर्म करनी है, हम डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये देखें ये है जी हमारे टेबल का नाम, कंट्रोल सी से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन। आगे अपने कॉलम का नाम बताते हैं, तो कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे आईडी में तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, तो नेम ईमेल पासवर्ड डीओबी डेप्ट रोल सारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा जी, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा पासवर्ड के बाद है जी डीओबी कॉमा फिर डेप्ट कॉमा फिर रोल फिर कॉमा फिर जेंडर
और फिर कामा, फिर जो है ये देखेंगे जहाँ पे जेंडर, ये देखेंगे यहाँ पे डी ओ बी डेप्ट रोल जेंडर, उसके बाद आई एम जी इमेज, ठीक है। तो आई एम जी इमेज, ठीक है, ये हो गए हमारे कॉलम्स के नाम। आगे हम लिखते हैं जी वैल्यूज़ का कीवर्ड, और उसके आगे राउंड ब्रेसेस के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ बताएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले नेम बताएंगे, तो नेम किस में सेव है, डॉलर नेम वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे डॉलर, सॉरी, अगर आपकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग हो या करेक्टर हो तो उसको सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोड लगाओ, इसके अंदर डॉलर नेम वाला वेरिएबल आप, ठीक है। उसके बाद कॉमा, देन ईमेल है, तो ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल के लिए सिंगल कोड लगाओ, इसके अंदर लिखो डॉलर ईमेल, देन कॉमा लगाया, सिंगल कोड लगाया। अगर पासवर्ड है तो डॉलर पास वाले वेरिएबल में सेव है, देन कॉमा सिंगल कोड लगाई। अगर डी ओ बी है तो डी ओ बी किस में सेव है, डॉलर डी ओ बी में, डॉलर डी ओ बी के अंदर सेव है। देन उसके बाद कॉमा, देन सिंगल कोड, डी ओ बी के पास के बाद क्या, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट किस में सेव है, डॉलर डेप्ट के अंदर, देन कॉमा, देन सिंगल कोड। उसके बाद रोल है, तो रोल किस में सेव है जी, डॉलर रोल के अंदर। तो यहाँ पर रोल की जो कि वैल्यू वन या जीरो है, तो इंटीजर है, तो यहाँ पर सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंगल कोड, रोल के बाद क्या, जेंडर, तो जेंडर डॉलर जेंडर वाले वेरिएबल में, देन कॉमा। इमेज किस में सेव है, डॉलर नेम में, ठीक है, एफ अंडरस्कोर नेम में, तो डॉलर एफ अंडरस्कोर नेम ले। इतना हो गया आपका काम, ठीक है। ये होने के बाद लास्ट पे सेमी कॉलन ले जी। अब यहाँ पे देख लें आप अपने नेम, ईमेल, पासवर्ड, डी ओ बी, डेप्ट, ठीक है, ओके, ये हमने ये सारा लिख लिया, ओके जी, फिनिश। हमने क्यूरी भी परफॉर्म कर दी। अब इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, सबसे पहले आपके कनेक्शन का नाम, तो हमारा कनेक्शन किस में सेव है, डॉलर कोन वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे डॉलर कोन कॉमा, फिर अपनी क्यूरी जिसको एग्जीक्यूट करना है तो वो किस में सेव है, डॉलर क्यू आर वाई वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे डॉलर क्यू आर वाई क्यूरी सेमीकॉलन। अब जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे हम डॉलर प्रो नाम से एक वेरिएबल लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि हमारी क्यूरी जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने कह दिया इफ डॉलर प्रो को चेक करो, तो सो अगर क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी ना तो यहाँ पे डॉलर प्रो के अंदर वन आ जाएगा, तो ये इफ की कंडीशन चल जाएगी। अदरवाइज जो है जब ये नहीं ना चलेगी तो जनाब यहाँ पे आपके पास ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक, ओके। अब यहाँ मैं एल्स में चला जाता हूँ, एल्स। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर ये क्यूरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर ये मुझे कहाँ पर ले जाए, ये मुझे लॉगिन वाले पेज पर ले जाए। तो लॉगिन वाले पेज पर जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होता है जो हमें नेक्स्ट पेज पर लेके जाता है हेडर के नाम से। हेडर के अंदर हम देते हैं अपनी लोकेशन, लोकेशन के आगे लगाते हैं कारण, और उस पेज का नाम बताते हैं जिस पे हमें जाना हो। तो यहाँ पे देखें अभी मैं किस में हूँ, अभी मैं पीएचपी वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो अपने फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट एक फॉरवर्ड स्लैश और देन अब अपने जो है वो लिखो अपनी फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है लॉगिन, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ओके, ये लिख लिया। और इसी तरह अगर ये नहीं जाता, अगर यानी ये फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होती सक्सेसफुली, तो यहाँ पर एल्स में आए और एल्स में आगे मुझे कहाँ वापस ले आए, दोबारा से मुझे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले आए। अगर ये मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले आएगा तो मैं समझूंगा कि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल नहीं डॉट पी एच पी, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, एक और काम भी करना, अगर ये हमारी जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है ये जो है ना क्यूरी, तो फिर हमें एक और काम भी करना है। ये जो हमने अभी भी पिक ली थी यूज़र की, ये पिक भी तो अपने फोल्डर में सेव करनी है ना, तो उसके लिए जनाब हमारे पास एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फाइल का नाम बताते हैं, तो हमारी फाइल का नाम किस में सेव है, डॉलर टेम्प अंडरस्कोर नेम के अंदर। तो कंट्रोल सी से कॉपी करें, पेस्ट करें, उसके बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन बताएं। तो मेरी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, मैंने ये पिक्चर कहाँ पे, मैंने ना अपनी पिक्चर सेव करने के लिए यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस नाम से। तो मैंने कहा डबल कोट्स के अंदर, मैंने कहा सबसे पहले अपने मेरे इस फोल्डर से बाहर जाओ, वहाँ पे एक इमेजेस नाम से फोल्डर है इमेजेस, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर चले जाओ। उस फोल्डर के अंदर जाके डॉट आगे हम बताते हैं अपनी इमेज का नाम। तो मेरी इमेज का नाम है एफ अंडरस्कोर नेम के अंदर, कंट्रोल सी, मैंने कहा इस इमेज को कॉपी कर दो, कंट्रोल वी, ले इसको कॉपी कर दिया,
और आपको पता है दो चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए हम ये डॉट लगाते हैं, तो ये डॉट लगा दिया, ठीक है। ओके जी, इतना हो गया। लें जी हमारा काम कंप्लीट, फिनिश। लें जी हमारा रजिस्ट्रेशन वाला जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जाके रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं क्या हमारी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होती है कि नहीं होती। रिफ्रेश किया एक दफ़ा इसको। ओके, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ सबसे पहले, मैं तो मैं कोई भी नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल खिजर, SHAHAL शहाल, ठीक है। ई मेल मैं देता हूँ PHIZAR खिजर @gmail.com। नीचे पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया। डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सिलेक्ट करें डेट ऑफ बर्थ अपनी 98, और यहाँ पे जुलाई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दे दें, मैं तो रैंडमली देने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट मेरी कौन सी है जी, IT डिपार्टमेंट है। रोल मेरा कौन सा जी, मेरा मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। जेंडर मेरी मेल, और चूज़ यहाँ से प्रोफाइल इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई भी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और पिक्चर्स में आता हूँ, और यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी ये नहीं, ये चूज़ कर दी। उसके बाद इसे ओपन कर लेता हूँ, हो गया सिलेक्ट। उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लें जी आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये देखें, मैंने आपको कहा था अगर ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको लॉगिन वाले पेज पर ले आएगा। तो ये देखें, ये हमें लॉगिन वाले पेज पर ले आया। अब मैं आपको जाकर यहाँ पर डाटा दिखा भी देता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें दोस्तों आपका जो डाटा है वो आ चुका होगा। यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जाते हैं, ये देखें ये आपका डाटा आ गया। ये देखें ID 1, नेम खिजर शहाल, ईमेल ये आपका, पासवर्ड देखें इनक्रिप्ट हो गया, पासवर्ड आपका इनक्रिप्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपकी ये थी, डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट, रोल 1 है, जेंडर ये है, और इमेज 82.jpg है, ठीक। ओके ओके जी, इतना काम हमने कर दिया। ओके जी ओके जी ओके जी, ले जी हमारा इतना काम जो है वो हो गया सक्सेसफुल, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें आपके जो नोटिस बोर्ड वाला पेज है, इसके अंदर इमेजेस के अंदर ये पिक्चर भी आ गई होगी। ये देखें, ये इमेजेस के अंदर पिक्चर भी आ गई है, ठीक है, 82 वाली, क्लियर। तो ये आपका डाटा सक्सेसफुली दोस्तों जा रहा है, सक्सेसफुली आप जा रहा है। और नेक्स्ट, अब हम ये आज का पार्ट हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, भला सारी कॉन्फ़िगरेशन सीखी है, रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट कर दिया सारा कम्प्लीटली, और हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। अब नेक्स्ट के अंदर हम जो है वो लॉगिन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे दोस्तों सॉरी, एक एरर आ रहा है, वो एरर मैं आपको ठीक करवा दूँ, क्योंकि बाद में आपका भी एरर आना था, और फिर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कहना था कि सर जी आपने जो है ना वो बताया नहीं है हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। ये देखें यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो जेंडर है ना इसके अंदर मेल या फीमेल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो आ ही नहीं रहा। ये प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमने गलती ये किया कि ये जो हमने इनपुट फील्ड्स ली हुई हैं मेल और फीमेल के लिए, इसके अंदर हमने वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू नाम का, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। तो वैल्यू इक्वल टू मेल, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल टू फीमेल, फीमेल एम फीमेल, ठीक है, ये लिखने था, ये हमने गलती से लिखे नहीं, ये दो एट्रीब्यूट लिखने थे, देन ही हमारी वैल्यू जाके सेव होनी थी, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल, क्योंकि उसे क्या पता कि हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया या फीमेल, तो ये हमने एरर किया था, ये आपने यहाँ पे सही कर देना, ठीक है। और बस यहाँ पे अपने अपने ये जो दोनों आपने जेंडर के लिए बॉक्स इनपुट फील्ड्स बनाई है रेडियो नाम की, इसके अंदर सिर्फ आपने वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट बना देना, और इसे यहाँ पे लिख देना मेल और यहाँ पे फीमेल, सिंपल। तो आपका ये एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।